नमस्कार दर्शकों, यह है वेनेस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। थाने में होगी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कांग्रेस के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम दिया जाता है, इसी कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश प्रभारी एच का पाटिल के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले की अध्यक्षता के इसका आयोजन किया गया है। इस बैठक में विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण समेत प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, सह प्रभारी आदि सहित अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण सहित कार्यकारी अध्यक्ष, संयुक्त प्रभारी आदि सहित अन्य दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर जय भारत यात्रा का शुभारंभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम हर जिले में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस विभिन्न मुद्दों से निपटकर मतदाताओं के तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इस मौके पर सकिता के प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संदीप शिंदे, प्रवक्ता राहुल पिंगले व रमेश इंडिस मौजूद रहेंगे। आम्ही फक्त एकच स्वातंत्र्यवीर सावरकर, एकच स्वातंत्र्यवीराला घेऊन रॅली नाही काढणार। आमच्याकडे बरेच आहेत, अण्णा हजारे पण स्वातंत्र्यवीर आहेत। हलक अण्णा हजारेंनी चुकीची भूमिका काय घेतली असेल, पण स्वातंत्र्यवीर आहेत ते नाकारू शकत नाही ना। काय स्वातंत्र्यवीर आहेत, आहे देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये त्यांनी भाग घेतला चळवळीत, आता त्यांची भूमिका चुकत असेल म्हणून स्वातंत्र्यवीर हे काय। आता विक्रांत चव्हाण उद्या बदलले इकडनं, पण विक्रांत चव्हाण माजी अध्यक्ष होतेच ना, का विक्रम चव्हाण अध्यक्ष नव्हते असं म्हणणार आपण। छत्रपती संभाजीनगर भाजपा के बॅनर पर इंदिरा गांधी टॉक ऑफ द टाउन है। छत्रपती संभाजीनगर में वीर सावरकर के सम्मान में भाजपा द्वारा बैनर लगाए गए। इस बैनर पर सावरकर के बारे में इंदिरा गांधी की क्या भावना थी, जबकि बीजेपी ने बैनर लगा रखा था इसे जाहिर करने के लिए। बीजेपी के बैनर पर इंदिरा गांधी की फोटो और उनके विचार देखे जा रहे। भाजपा के पदाधिकारी स्वदर्शते ने जैसे ही यह बैनर लगाया, भाजपा के बैनर पर इंदिरा गांधी की चर्चा अब हर जगह हो रही है। इस पर भाजपा नगर अध्यक्ष शिरीष बोलारकर ने अपनी राय व्यक्त की है। आज आमच्या छत्रपति संभाजी नगर मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या गौरव यात्रेचा आजचा समारोपाचा दिवस आहे, त्यामुळे आम्ही असे बॅनर नुसते इथे नाही, पूर्ण वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमुख चौकामध्ये हे आम्ही बॅनर लावून आम्ही आघाडींच्या नेत्यांना एक संदेश देऊ इच्छितो की बाबा आपले जे नेते होऊन गेले त्या नेत्यांनीसुद्धा वीर सावरकरांबद्दल काय गौरव उद्गार काढले, ते गौरव उद्गार आपल्याला त्या बॅनरमध्ये दिसतील। म्हणजे यशवंतराव चव्हाण असतील, इंदिरा गांधी असतील, या सगळ्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल काय गौरवाचे उद्गार काढले ते त्याच्यात लिहिलेले आहे। मी हे सांगत असताना मी शिवसेनेच्या नेत्यांना पण सांगू इच्छितो की बाबा तुम्ही जे पक्ष जो काँग्रेस राष्ट्रवादी कायम वीर सावरकरांचा अपमान करतो, त्या अपमान करणाऱ्या पक्षांच्या मांडीवर जाऊन तुम्ही बसता आणि वीर सावरकरांच्या ज्याचं प्रतिभाशाली त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं, त्यांचं कार्य होतं, त्या कार्याला अपमानित करण्याचा जो प्रयत्न तुम्ही करताय, हे बाळासाहेबांचे विचार हे कुठेही याच्यात दिसत नाहीत आणि बाळासाहेबांच्या विचाराला तुम्ही तिलांजली देण्याचं काम केलं आहे हे आम्ही दाखवण्याचा इथं प्रयत्न करतो। बीएच क्षीरसागर कृषी उपज मंडी समिती का चुनाव, क्षीरसागर के चाचा के भतीजे से लड़ रहे थे। आय बाजार समिति के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जयदत्त क्षीरसागर व विधायक समिति क्षीरसागर के चाचा भतीजे लड़ेंगे। पिछले 40 साल से जयदत्त क्षीरसागर ने अकेले ही मार्केट कमेटी पर राज किया है, लिहाजा उन्हें असमंजस में फंसाने के लिए एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर ने ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीपी, किसान यूनियन और वंचित बहुजन आघाड़ी से हाथ मिला लिया। संक्षिप्त क्षीरसागर ने कहा कि इस गठबंधन से जयदत्त क्षीरसागर का मार्केट कमेटी पर दबदबा कम होगा। संदीप क्षीरसागर ने दावा किया है कि मार्केट कमेटी की वोटर लिस्ट में एक ही परिवार के सैकड़ों नाम है। उन्होंने कहा कि वह उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। ही निवडणूक कुणाला खिंडीत पकडायची किंवा समोर कोण आहे ह्याच्यावरतून नाही आहे। जे महत्त्वाचे मार्केट कमिटीच्या हिताचे किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचे जे विषय आहेत
या विषयावरतून आम्ही सर्व एकत्र आलेलो आहोत आणि आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे की लोकांचा पाठिंबा ग्रामपंचायत असेल, सोसायटी असेल, व्यापारी असतील, हमालमातडी असेल, हे आमच्यासोबत आहे. आपल्याकडं मी यादी देतो ती आपण जाहीर जरी आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून केलं तर बरं होईल, ते आपल्या लक्षात येईल पूर्ण. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर. फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए MNS न्यूज पर. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज.